नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी और एमएससी से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। बीएससी में तो मैं आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी इसी प्लेटफॉर्म पे, और टाइम रहा तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जैसे ही हम आप लोगों को वीडियो अपलोड करें, आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सको। आप लोग इन वीडियोस में जो भी कंटेंट हम डाल रहे हैं, उन कंटेंट से रिलेटेड जैसी भी आप लोगों की क्वेरीज हो, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, उन कंटेंट में समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो, उन कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हो आपके मन में, तो आप उन सभी को प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आप लोगों की उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करूंगी। मैं आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड सारी केमिस्ट्रीज इसी प्लेटफॉर्म पे स्टडी कराऊंगी, और एमएससी का जो है वो हम थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और उसमें आपके फाइनल के अंदर हम पेपर फर्स्ट जो आपके फोटो केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट और एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला है वो पेपर हम इसी प्लेटफॉर्म पे स्टडी करेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशंस आते रहे, और आप लोग जैसे जैसे अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन वीडियोस को देखते रहो। आप लोगों के एग्जाम से पहले ये सिलेबस करवाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। मैं इस एग्जाम से पहले आप लोगों को 2021 वाला जो एग्जाम होगा उससे पहले आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ विश्वास बनाए रखिए, इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को सिलेबस कंप्लीटली इसी प्लेटफॉर्म पे स्टडी कराऊंगी। चलो, अब हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को एक या दो वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो लेक्चर्स में हमने एक वीडियो लेक्चर्स में तो बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक का सिलेबस हमने डिस्कस किया था, और फिर हमने यूनिट फर्स्ट जो आपकी एचएसएबी कंसेप्ट है उसको हमने स्टार्ट किया था। चलो, अब हम बीएससी थर्ड ईयर की, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट एचएसएबी कंसेप्ट पढ़ा रही हूं। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस हम स्टडी कर रहे हैं। हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें मैंने आप लोगों को एक तो पहला ही इसका इंट्रोडक्शन बताया था, कौन से बेस हार्ड होंगे, कौन से बेस सॉफ्ट होंगे, कौन से एसिड हार्ड होंगे, कौन से एसिड सॉफ्ट होंगे। मीन्स पहला तो हमने इन चारों की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हार्ड एसिड की करेक्टर्स क्या होंगे, हार्ड बेस के करेक्टर्स क्या होंगे, सॉफ्ट एसिड के करेक्टर्स क्या होंगे और सॉफ्ट बेस के करेक्टर्स क्या होंगे, हमने वो स्टडी किया था। दूसरा टॉपिक मैंने जो पढ़ाया था वो पियर्सन का एचएसएबी कंसेप्ट पढ़ाया था। पियर्सन का एचएसएबी कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ड एसिड, हार्ड बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है।
सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमने इनके बीच के इंटरेक्शंस को डिफाइन किया था कि हार्ड और हार्ड में किस तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं, सॉफ्ट और सॉफ्ट में किस तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं। उसके बाद हमने हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस को हमने अनस्टेबल कहा था, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया था, और इसका वाइस वर्सा मीन्स ये सॉफ्ट हो और ये हार्ड हो तब भी क्या बनेगा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। इसका भी रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्यों बनता है। क्लियर, ये दो वीडियो लेक्चर्स मैंने आप लोगों के डाल दिए हैं। आज हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको हम इस एचएसएबी कंसेप्ट के आधार पे उन रिएक्शंस को नहीं बता सकते। उन रिएक्शंस को बताने के लिए हमें इनकी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करना होता है। मींस हम ये कहते हैं, क्योंकि हमने जो आपके सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो हार्ड एसिड होता है, बेस होता है, वो सॉफ्ट बेस को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कहा मैंने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो मैंने ये कहा कि जो हार्ड एसिड है, सॉरी स्टेबल एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक बेस को डिस्प्लेस कर देगा। मीन्स वहां पे वो रिएक्शंस जो हैं वो उनके स्ट्रेंथ के आधार पे भी हम उनको समझा सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रेंथ इनकी और हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या एक दूसरे से रिलेट होती हैं, किन रिएक्शंस को हम हार्ड एचएसएबी कंसेप्ट के आधार पे समझा सकते हैं, और किन रिएक्शंस को हम इनकी स्ट्रेंथ के आधार पे समझा सकते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन हमने स्टडी किया था। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ एसिड बेस। थर्ड जो टॉपिक करा रही हूं मैं, थर्ड टॉपिक है हमारा वो है एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ये स्टडी करेंगे। पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रेंथ है वो और ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेशन नहीं है। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो हार्ड एसिड भी होगा, ये हम नहीं कह सकते। वो हो सकता है वो सॉफ्ट एसिड हो और हो सकता है हार्ड एसिड हो। मीन्स किसी भी तरीके का इन दोनों के बीच में, हार्ड स्ट्रॉन्गनेस और हार्डनेस के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पहली लाइन तो क्या है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ चाहे एसिड हो चाहे बेस हो हैज नो रिलेशन नो रिलेशन
नो रिलेशनशिप विद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस. एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के साथ हार्डनेस और सॉफ्टनेस का किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं है. अब हम देखो दो एग्जांपल्स लेते हैं और उन दोनों एग्जांपल्स के आधार पे हम दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे. एक रिएक्शन में मैं स्ट्रेंथ के आधार पे ये कहूंगी कि ये जो स्ट्रेंथ के कंसेप्ट से समझा सकती हूँ, और दूसरी रिएक्शन को मैं HSAB कंसेप्ट से भी डिफाइन कर सकती हूँ. तो हम दो रिएक्शंस अभी स्टडी करेंगे. एक रिएक्शन है SO3-2+HF. ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है HSO3-+F-. और ये रिएक्शन जो है वो राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट प्रोसीड हो रही है, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है. क्लियर? अब ये जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो हमने ये देखा SO3-2 ये और F-. SO3-2 जो है वो सॉफ्ट बेस होता है और F- जो है वो हार्ड बेस होता है. H+ जो है वो हार्ड एसिड है. मींस रिएक्टेंट में तो जो इंट्रैक्शन है वो हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन है. क्लियर? जब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बना तो ये तो हार्ड था और SO3- ये सॉफ्ट है. मीन्स प्रोडक्ट में जो इंट्रैक्शन हमने देखे वो थे हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शन. तो इस रिएक्शन को हम HSAB जब कंसेप्ट से बताएंगे तो ये HSAB कंसेप्ट से डिफाइन नहीं हो सकती. मीन्स इस रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें इनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए. और हमें यह पता है कि SO3-2 मोर स्ट्रॉन्ग बेस है किसके कंपैरिजन में, F- के कंपैरिजन में. तो ये SO3-2 जो है वो इजीली रिप्लेस कर देगा किसको, F- को, क्योंकि हमें यह पता है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो वीकर को रिप्लेस कर देगा. तो यहां पे इस रिएक्शन को हम कौन से कंसेप्ट से समझा रहे हैं, इस रिएक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस के आधार पे. इस रिएक्शन को हम किसके आधार पे समझा सकते हैं, एसिड बेस की स्ट्रेंथ के आधार पे समझा सकते हैं. HSAB कंसेप्ट के आधार पे तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, प्रोसीड ही नहीं होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन टूट रहा है जो कि मोर स्टेबल है, और हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शन बन रहा है जो कि वीक स्टेबल है. कभी भी रिएक्शंस की फिजिबिलिटी जो है वो हमेशा मोर स्टेबल की तरफ मूव करती है. रिएक्शन जो है वो मोर स्टेबल की तरफ फॉर्म होती है. तो यहाँ पे तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ मूव हो रही है, तो ये रिएक्शन HSAB कंसेप्ट के आधार पे तो नहीं होगी. लेकिन ये रिएक्शन होती है, प्रैक्टिकली देखा गया कि ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है. तो इस रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने इन एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का यूज किया, और हमने ये कहा कि SO3-2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है
किसके कंपैरिजन में? फ्लोराइड आयन के कंपैरिजन में। तो ये इजीली फ्लोराइड आयन को डिस्प्लेस कर देगा और ये HSO3 माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक? मींस हमने एक रिएक्शन तो ये पढ़ ली कि इस रिएक्शन को हम इनके स्ट्रेंथ के आधार पे डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ, बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ से हम इस रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास रिएक्शन थी OH- प्लस CH3HgSO3 माइनस। ये रिएक्शन प्रोसीड हुई CH3HgOH+SO3-2। इस रिएक्शन को जब हम देखेंगे तो हमें पता है कि OH माइनस जो होता है वो हार्ड बेस होता है। और CH3HG जो है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट एसिड है। और SO3- अभी पढ़ा था हमने, ये सॉफ्ट बेस है। ये जब प्रोसीड हो रहा है तो ये बना रहा है CH3HG। ये तो कैसा है? सॉफ्ट एसिड। और ये कौन से बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है? हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है। मीन्स सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस यहां पे ब्रेक हो रहे हैं और सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन को भी हम HSAB कंसेप्ट से डिफाइन नहीं कर सकते। नॉट डिफाइन बाय HSAB कंसेप्ट। इस रिएक्शन को भी हम इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ से डिफाइन करेंगे। किससे डिफाइन कर सकते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ से डिफाइन कर सकते हैं। और रिलेटिव स्ट्रेंथ से हमें यह पता है कि OH माइनस आयन की रिलेटिव स्ट्रेंथ SO3-2 के कंपैरिजन में ग्रेटर होती है। इसलिए OH माइनस आयन जो है वो SO3-2 को रिप्लेस कर देता है। मीन्स इस रिएक्शन को भी हम HSAB कंसेप्ट के आधार पे नहीं समझा सकते। इस रिएक्शन को भी हम स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ के आधार पे ही डिफाइन करेंगे। अब हमें नहीं पता कि कौन सी रिएक्शंस में कब HSAB कंसेप्ट फॉलो होगा और कब रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉलो होगा। इसके लिए उन्होंने एक हार्ड एसिड लिया और एक सॉफ्ट एसिड लिया, और उन हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड पे बहुत सारे बेस की डिफरेंट डिफरेंट बेस के साथ में इनकी रिएक्शन कराई और इन सब का pKa वैल्यू कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? pKa वैल्यू कैलकुलेट किया। और ये pKa वैल्यू क्या होती है वो बताती हूं मैं आप लोगों को। तो आप खुद ही कह दोगे कि जिसकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी वो रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी, ये आप खुद ही बता दोगे। क्या किया इन्होंने? H+ और CH3HG+ ये तो लिए इन्होंने दो एसिड। ये कैसा एसिड था? हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पे ये तो था हार्ड एसिड और ये था सॉफ्ट एसिड।
मीन्स एक तो हार्ड ले लिया और एक सॉफ्ट ले लिया, और इन दोनों एसिड्स का क्या निकाला, पीकेए वैल्यू कैलकुलेट की। कब कैलकुलेट की, डिफरेंट डिफरेंट बेस के साथ में। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, बेसिसिटी का टेबल है, और उन सब में पीकेए की वैल्यू अलग अलग डिफाइन कर रखी है। यहां पे आयोडाइड, फ्लोराइड और क्लोराइड, ब्रोमाइड, उसके बाद पहले फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओ एच माइनस आयन, इस तरीके से बहुत सारे आयन्स या एसिड्स दिए हुए हैं, और इन एसिड्स के आधार पे उन्होंने पीकेए वैल्यू कैलकुलेट की। और ये पीकेए वैल्यू जब हम फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड पे आती है 1.50। ये डाटा मैं लिख रही हूं यहाँ पे, आपको याद करने की जरूरत नहीं, 2.85। उस टेबल में सबसे ज्यादा पीकेए वैल्यू इन्हीं की थी, इन्हीं सबसे कम पीकेए वैल्यू फ्लोराइड की ही थी, और सबसे स्ट्रॉन्ग पीकेए वैल्यू जो है वो S-2 की निकाली, और S-2 की जो पीकेए वैल्यू निकाली वो 21.2 तो एच प्लस आयन के लिए निकाली, और 14.2 जो है वो CH3HG+ के लिए निकाली गई। क्लियर यहां तक? अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पीके वैल्यू होती क्या है। पीके वैल्यू जब हम, आपने देखा होगा पीएच वैल्यू, ये आपको ध्यान होता है, आप इसको लिखते हो माइनस लोगोरिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। वैसे ही मैं इस पी के ए को क्या लिखूंगी, माइनस लोगोरिथम ऑफ के ए, माइनस लोगोरिथम ऑफ के ए। और के ए क्या है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। के ए क्या है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस CH3HG का डिसोसिएशन हुआ, इसका जब मैं डिसोसिएशन करूंगी तो किस फॉर्म में करूंगी, CH3HG+ प्लस B-। वैसे ही HB का करूंगी तो कैसे करूंगी, CH+ प्लस B-। ये रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। क्लियर यहां तक? जब मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालूंगी, मींस के ए की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, तो के ए क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस, CH3HG की कंसंट्रेशंस अपॉन B- की कंसंट्रेशंस अपॉन CH3HGP। क्लियर? वैसे ही इसका होगा के ए, ये क्या होगा, एच प्लस की कंसंट्रेशंस B- की कंसंट्रेशंस अपॉन HB कंसंट्रेशंस। क्या करें हम इसका, लोग लें, दोनों तरफ लोग लोगे, माइनस करोगे तो ये इक्वेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी पीके वैल्यू के लिए, और आप, मैं इसको इधर बना रही हूं, देखो मैं इस वैल्यू की बात कर रही हूं, इस वैल्यू का लोग लो, लोग के ए, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लोग, और के की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूं, CH3HG+ B- अपॉन CH3HGB। ये आया, क्या निकालना है हमें, पीके वैल्यू मींस माइनस, पीके वैल्यू किसको कहेंगे, माइनस लोगोरिथम ऑफ के ए। और जब माइनस लोगोरिथम ऑफ के ए करूंगी तो मैं यहां जैसे माइनस लगाऊंगी, माइनस लोग CH3HG+ B- अपॉन CH3HGB। तो ये रिएक्शन
इसको प्लस में कन्वर्ट करूंगी तो ये ऊपर चला जाएगा और ये पार्ट नीचे चला जाएगा, मीन्स पी के ए ये वैल्यू आएगी लॉग सी एच थ्री एच जी बी अपॉन सी एच थ्री एच जी प्लस और बी माइनस। अब ध्यान से सुनो, पी के ए वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब ऊपर की वैल्यू ग्रेटर होगी। पी के ए वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब ऊपर की वैल्यू ग्रेटर होगी। यही था, मीन्स जब ये क्या था एसिड और बेस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तब पी के ए की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जिसकी पीके की वैल्यू ज्यादा हुई वो ही उस के साथ क्या बनेगा, बॉन्ड बनाएगा। देखो ध्यान से सुनो, CH3HG और B, CH3HGB जब बॉन्ड फॉर्म में है तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तभी तो पीके की वैल्यू ज्यादा होगी। वैसे ही हम इसकी बात करें, सेम प्रोसेस, पी के ए कौन से एच प्लस वाले में निकल के आ जाएगा लॉग एच बी अपॉन एच और बी। तो मैंने ये कहा कि इनकी कंसंट्रेशन पी के ए जिसका ग्रेटर है वो एसिड बेस इंट्रैक्शंस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। वो एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या इंट्रैक्शंस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अब हम बात करें, मैंने यहां पे कुछ पीके वैल्यू लिखी है, यहां तक तो समझ में आ गया आपको, जिसका पीके वैल्यू ज्यादा वो इंट्रैक्शंस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अब हम बात करें, यहां पे मैंने फ्लोराइड लिखा था भाई, इन डाटाओं के आधार पर अब मैं आपको समझा रही हूं। अब हम बात करें कि फ्लोराइड कि जो फ्लोराइड के रेस्पेक्ट में H प्लस और CH3HG दोनों का ही मान लिया पीके ए वैल्यू क्या है, स्मॉल है। दोनों की ही पीके वैल्यू क्या है, बहुत ही स्मॉल है, इसकी 1.50 और इसकी 2.85। लेकिन जब हम इनका इंट्रैक्शंस देखते हैं कि ये जो F माइनस है ये H के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाएगा या CH3HG के साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, जब इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं तो हमने ये देखा कि HF के साथ जब बॉन्ड बनाया तो PKa की वैल्यू हमारे पास 1.50 आई, और जब इसके साथ बॉन्ड बनाया तो PKa की वैल्यू आई 2.85। मीन्स कहने का मतलब है कि ये H प्लस के कंपैरिजन में CH3HG के साथ इजीली बॉन्ड बनाएगा। कंपैरिजन किया है हमने यहाँ पे, ये नहीं कहा कि हमेशा इजीली बॉन्ड बनाएगा, हमने ये कहा कि CH3HG जो है वो फ्लोराइड के साथ आसानी से बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू H प्लस। लेकिन इन दोनों की पीके वैल्यू कम है इसलिए ये इनके साथ बॉन्ड कम बनाते हैं। अब हम बात करें S माइनस टू की, S माइनस टू में हम जब देखते हैं कि इसका तो H प्लस के रेस्पेक्ट में पीके वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है वो 21.2 निकल के आती है, और CH3HG की जो निकल के आती है वो 14.2 है। मीन्स दोनों के रेस्पेक्ट में पीके वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए दोनों ही आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जब हम इनका कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं कि कौन किसके साथ आसानी से बॉन्ड बनाएगा तो हम ये कहेंगे कि एच जो है वो आसानी से बॉन्ड बनाएगा किसके कंपैरिजन में, CH3HG के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, CH3HG के कंपैरिजन में H प्लस जो है वो S माइनस टू के साथ आसानी से बॉन्ड बनाएगा, या कहें H2S की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, CH3HG
का होल ट्वाइस एस के कंपैरिजन में। यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए आपसे H2S और CH3HG की होल ट्वाइस S के बीच में, तो आप क्या कहोगे? H2S ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। रीजन क्या है? क्योंकि इसका pKa वैल्यू ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। और जिसका pKa वैल्यू ज्यादा होगी वो इजीली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्लियर यहां तक? मीन्स हमने स्ट्रेंथ के बारे में रिलेशन एक स्टडी किया। इन रिलेशंस को और भी ज्यादा मीन्स चिलेटिंग आयंस लिए उन्होंने, कौन कौन से? इरविंग सीरीज कहते हैं जिसको। इरविंग विलियम्स ने बहुत सारी मेटल आयंस के का चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टडी किया और उनको एक सीरीज में रखा इन मेटल आयंस को। उन मेटल आयंस को इरविंग विलियम्स सीरीज कहा गया। मैं क्या बोल रही हूं? इरविंग विलियम्स ने बहुत सारी डी सीरीज की मेटल आयंस के ऊपर स्टडी किया। उन्हें चिलेटिंग लिगेंट लिए जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर लिंकेज प्रेजेंट थे। मींस ये उन चिलेटिंग में, ये उन चिलेटिंग लिगेंड्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की तरफ से बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। क्लियर? इस तरीके के चिलेटिंग्स लिए और उन्होंने डी सीरीज बेरियम प्लस टू से जिंक तक की बहुत सारी मेटल आयंस ली और उन्होंने ये देखा कि ये मेटल आयंस की जो स्टेबिलिटी है इन चिलेटिंग आयंस के साथ बॉन्ड बनाने की, ये बेरियम प्लस टू से कॉपर प्लस टू तक तो इंक्रीज होती है और जिंक पे जाके ये डिक्रीज हो जाती है। इन चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाने की जो स्टेबिलिटी है वो जब उन्होंने देखा कि बेरियम प्लस टू से कॉपर प्लस टू की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये इंक्रीज होती है और जिंक प्लस टू पे आके ये डिक्रीज हो जाती है। इस सीरीज को डिफाइन करने के लिए उन्होंने इनकी इनहेरेंट एसिडिटी का रीजन बताया। उन्होंने ये कहा कि ये जो बेरियम प्लस टू से कॉपर प्लस टू तक इंक्रीज हो रहा है, यहां पे इनकी इनहेरेंट एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। एसिडिटी मींस जन्मजात। एक सीरीज के बाद ये जो एसिडिटी है ये लेफ्ट टू राइट करेंगे तो हम एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मींस बेरियम प्लस टू से हम कॉपर प्लस टू की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे ये इनमें बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इन चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाने का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा सल्फर, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। इस सीरीज को इरविंग विलियम्स सीरीज कहा गया। इरविंग विलियम्स सीरीज का जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाने की जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ये है सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मींस आसानी से सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगी, मोर स्टेबल, नाइट्रोजन के साथ उसके कंपैरिजन में वीक और ऑक्सीजन के साथ सबसे वीक बनाती है। कहां से कहां तक? बेरियम से कॉपर तक की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सीरीज में जो ट्रांजिशन मेटल आयंस जिसमें बहुत इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कैसे हो जाएंगे? हार्ड एसिड का काम करेंगे और ये जो हार्ड एसिड की जो मेटल्स हैं वो इंसुलेट
सन के साथ जो बॉन्ड बनाएंगी वो इनका रिवर्स होगी, मींस उनका ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये किनका होगा, जो अर्लियर डी सीरीज में जो आ रही हैं, जिनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, जिन मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स या तो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, वो जो बॉन्ड बनाती हैं उनका तो ये ऑर्डर है, और जो डी सीरीज में जो बाद में आती हैं उनका ये ऑर्डर है। ये था आपका स्ट्रेंथ के आधार पे इनका स्ट्रेंथ और एसिड हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बीच में रिलेशन डिफाइन करने का। थैंक यू।